नमस्कार। लर्निंग नेवर स्टॉप श्रृंखला में मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा सभी ज्ञान प्रेमियों और लर्नर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ डायरेक्टर SCERT महोदय का, साथ ही एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नाहर सिंह जी का, जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से ये श्रृंखला शुरू हुई और इस मंच पर एक से एक बेहतरीन और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा होती रही है। इसी क्रम में हम आज उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। किसी भी देश की संस्कृति और वेशभूषा, खान पान और रहन सहन को निर्धारित करने में जलवायु का एक विशेष महत्व, या ये कहें कि जलवायु रहन सहन को निर्धारित करती है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ हर प्रदेश के अपने भिन्न सांस्कृतिक रंग हैं, उन्हें निर्धारित करने में जलवायु का एक प्रमुख योगदान। जब भारत की जलवायु की बात आए तो मन मस्तिष्क में एक ही सवाल आता है, वो है मानसून। मानसून का इंतजार भारत के गांव-गांव में प्रत्येक किसान बड़ी बेसब्री से करता है, क्योंकि किसान कृषि पर निर्भर है और भारत की अधिकांश जनसंख्या के जीविकोपार्जन का साधन कृषि। कृषि की निर्भरता उन पर है, मानसून की अपनी निर्भरता है जिसे हम हाई प्रेशर, निम्न प्रेशर और तापमान की दिशा आदि पर निर्भर होती है। भारत जैसे विशाल देश की विविधता पाई जाती है। जिस समय कश्मीर का किसान परंपरागत वेशभूषा फेरन में लिपटा हुआ कांप रहा होता है, उसी समय केरल का किसान सिर्फ लुंगी पहने हुए अपने धान के खेत में काम कर रहा होता है। ऐसे विविधता वाले देश में अगर देखा जाए तो जलवायु का एक अपना एक महत्व है। जिस समय ब्रह्मपुत्र घाटी जुलाई के महीने में बारिश की चपेट में होती है, उसी समय राजस्थानी किसान अपने खेत में बैठा हुआ आसमान की तरफ टकटकी लगाए बादलों को देख रहा होता है। मई और जून के समय में अगर आप देखें तो मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप होता है, और उसी समय अगर देखा जाए तो पहाड़ी जो भी इलाके हैं उनमें मौसम बड़ा सर्द और सुहावना होता है। ऐसी विविधतापूर्ण देश में जहाँ के रंग, जहाँ की संस्कृतियों के रंग अलग अलग हैं, क्या अनायास ही ऐसी संस्कृति, वेशभूषा या खान पान अपना लिया गया है? क्या इसमें जलवायु का अपना कोई महत्व है? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? अगर देखा जाए तो दिल्ली प्रदेश की जो स्थानीय जलवायु है वो कैसी है? और जब हम मानसून जैसी विषय की जब हम बात करते हैं तो प्रश्न कई दफ़े ये उठता है कि कृषि जो भारत की है वो मानसून पे डिपेंड है, और कृषि की GDP, आर्थिक संबंध, सामाजिक ढांचे के ताने बाने बहुत कुछ मानसून पर डिपेंड करता है। इसी क्रम में आज का जो विषय है वो है कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर डाटा एंड वेदर मैप। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतनाम सिंह जी, जो वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर डाइट दिलसाद गार्डन दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में कार्यरत हैं। आप इन सर्विस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में के हेड हैं। आप सेवारत अध्यापकों के साथ शिक्षा और उसके विषयों में हो रहे नवाचारों से ट्रेनिंग के द्वारा परिचय कराते हैं। आपका स्वयं का विषय भूगोल रहा है, और भूगोल बहुत ही एक ऐसा सार्वभौमिक विषय है कि जो जलवायु और प्रकृति के साथ कैसे रहा जाए इसके बारे में मनुष्य मानव को जानकारी देता है, और सर का अपना ये एक विषय है। डॉक्टर साहब की पाठ्य पुस्तकों और टीचर्स के लिए मैनुअल बनाने में भी एक अहम भूमिका रही है, साथ ही साथ जो DLED के विद्यार्थी हैं उनके करिकुलम बनाने में एक अपनी अहम भूमिका रही है। डॉक्टर साहब का सोशल साइंस एजुकेशन विषय को पढ़ाने में एक बहुत अपनी एक अनूठापन है, एक सहजता है। किसी विषय की कठिनाई व जटिलता व घटनाओं परिघटनाओं को सरल व सहज शब्दों में अभिव्यक्त करने एक अपनी एक निपुणता है।
डॉक्टर साहब का किसी भी कॉन्सेप्ट का विश्लेषण करने में स्थानीय कारकों पर विशेष प्राथमिकता देते हैं, जो विषय से जुड़ाव पैदा करने का एक अत्यंत आवश्यक कंपोनेंट है और जो विद्यार्थियों में एक अच्छी विषय के प्रति रुचि भी पैदा करता है कि स्थानीय कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से जलवायु मौसम क्यों बदलते हैं और अलग अलग एक ही देश में अनेक मौसम क्यों हैं, इन सब पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर सत्राप जी, राहुल जी, इतनी सशक्त भूमिका के लिए सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ उस सोच को जिन्होंने LNSCO के बारे में सोचा, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब, और वो जो टीम जो रात दिन इसको संभव बनाती है, हमारे पहुंचाती है। तक क्योंकि ये LNS का प्रोग्राम चल रहा है, श्रोता के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और आप मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी बात अपने आपके सामने रख रहा हूँ, तो इस बात को रखने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक शिक्षक की भूमिका में नहीं हूँ, मैं एक शिष्य की भूमिका में आपके सामने हूँ। मैं भी आप सीखने के माध्यम सीखने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि मैं ये देखता हूँ कि हम जो है फिजिकली प्रोग्राम के साथ जुड़े होते हैं। आज एक विशेष अनुरोध है मेरा आपसे कि आप इसमें जुड़े से जुड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें ये व्यवस्था देती है, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इसके ऊपर मल्टीपल टास्क कर सकें। तो माइंड आप मेरी तरफ अपनी फिंगर्स को मैसेज मोड में रखेंगे, जो भी आपके मन में डाउट आता है या जो भी आपको लगता है कि अभी मुझे ये इसके ऊपर डाउट है, मुझे सीखना चाहिए, जरूरी नहीं है, एक लिमिटेड टाइम है कि हम सारी की सारी शंकाओं का समाधान अभी कर लें, लेकिन निश्चित रूप से इसके बाद मैं ये पूरे प्रोग्राम को दोबारा देखने वाला हूँ और मेरे लिए आपकी शेयरिंग और आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें आगे बहुत कुछ सोचने समझने में हमारी मदद करेगा, हमारे जो है डायरेक्शन। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि मेरा आज का वक्त कुछ सिखाने के लिए नहीं, जैसे मैंने पहले ही आपको कह दिया है, मैं मेरे को जो है जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या सिखाना इसकी चिंता नहीं रहती, मुझे ये चिंता रहती है कि सीखने के बाद आप पहुँचेगा क्या। तो मैं जो है लर्निंग आउटकम के को माइंड में रख के ये सारी बात करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं जो नॉलेज के सोपान है, मैं नॉलेज पे ट्रेड नहीं करूँगा, मैं उसके दो अगले जो स्टेप हैं अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, उसके ऊपर फोकस कोशिश करूँगा। कितना कामयाब हो पाता हूँ वो तो आगे तय करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो शुरुआत करते हैं, हमने सभी ने जब हम वेदर की बात करते हैं तो हमने कुछ विषय में पढ़ा है, वो है वेदर, सीजन, क्लाइमेट। हमने इससे क्या सीखा है, क्या कॉमन है इसके बीच में, देखते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो तीनों में एक नई जो कॉमन चीज आती है, टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की बात किए बिना इन तीनों चीजों को नहीं समझ सकते, इन चीजों की बात नहीं हम कर सकते। सेकेंड चीज है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी प्रकार के मॉइस्चर का होना वो प्रिसिपिटेशन में शामिल होता है। कॉमन रूप में हम इसको रेनफॉल के माध्यम से जानते हैं, स्नोफॉल, फॉग और बहुत सारी इसकी फॉर्मेशन है,
नेक्स्ट इसमें जो बात आती है वो है एयर प्रेशर। जब भी हम किसी चीज की तीनों की बात करेंगे तो उसमें एयर प्रेशर की भी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है वो भी इन तीनों में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसके बिना हम इसकी बात नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं चार, इसके अलावा भी हैं लेकिन मैं यहाँ बस इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चलूंगा कि ये चार चीजें हैं, बात करें हम कॉमन रूप से इसके बारे में समझते हैं या पढ़ते हैं। फिर ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है, लोग इसको बहुत कंसिडर करते हैं, आजकल का जैसा मौसम है तो इससे का जैसा मौसम वो बात वो आती इसमें है, बात करते हैं तो बात आती है जब हमने ये बात कर हमने ली ये बात कर ली कि इनके बीच में कॉमन क्या चीज है, तो कुछ कॉमन अनको क्या होगा वो क्या चीजें हैं चीज है तो जो इनमें इनमें भेद भेद पैदा पैदा करती कर। है, डिफ्रेंशिएट करती है इन चीजों में। तो उसमें सब आती है कि इनका विस्तार क्या है, एक्सटेंशन विस्तार क्या क्या है इन है चीजों इनकी, का। तो आगे वाले डिस्कशन में हम जानेंगे कि जब हम वेदर की बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, सीजन की बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, क्लाइमेट की बात करेंगे तो एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट है कि इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ है, इसकी एग्जिस्टेंस अगर हम अगर हम ह्यूमन ढूंढने लाइफ जाए नेचर नेचर में में तो वो हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। मिलेगी। जो बात है कि क्या क्या इसका इसका ड्यूरेशन से भी कुछ लेना देना है, इसकी अवधि भी निश्चित होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज चीज है कि है जब हम इनको आइसोलेटेड में इनके बारे में बात कर रहे हैं तो इनके की एलिमेंट क्या है, की कंपोनेंट क्या है वैसे, कि जो सिर्फ और सिर्फ जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहां हमें देखने को मिलेंगे, जब हम सीजन की बात करेंगे तो वहां हमें देखने को मिलेंगे, या फिर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहां मिलेंगे। नहीं आ रही। अब जब हम करते हैं कि वेदर की जब हम बात करेंगे, इसके इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, तो वेदर से की पॉइंट कौन कौन से हैं, हमें किन बातों को पता हो तो तब हम वेदर की इंटरप्रिटेशन। इसमें एक मैंने कंपैरिजन की कोशिश की है, जो मैंने सीखा है अभी तक इसके बारे में उसके आधार पर इसको एक प्रस्तुत कर रहा हूं। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट एक बहुत लंबे समय तक सिमिलर रहती है, या ये कहें कि हमेशा वो एक जैसी ही रहेगी। लेकिन जब हम सीजन की बात करते हैं तो वो जब तक वो सीजन है उसी दौरान वो सेम होगी या एक सार होगी। लेकिन जब हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर में वही चीज एक पल के लिए होगी। अभी मैंने एक बात को खत्म किया है, मैं ये कहूं कि जब मैंने पहला सेंटेंस बोला तब मौसम कुछ और तरह का था, अब मैंने सेंटेंस खत्म किया तो मौसम बदल गया है चीज है। जब मैं इसकी एक्सटेंशन की बात करता हूं तो बियॉन्ड कंट्री भी हो सकती है, क्लाइमेट बियॉन्ड रीजन भी हो सकती है, यानी कि एक विस्तृत एरिया को प्रभावित करती है। और जब मैं सीजन की बात करूंगा तो ये एक एरिया को, इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा उसका वो हो सकता है, ये रीजन एक दूसरी जगह भी हो सकते हैं, आपस में हो सकता है फिजिकली ना जुड़े हो, लेकिन एक जैसे सीजन एक से जगह देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब मैं वेदर की बात करूंगा तो इसका बहुत ही लिमिटेड दायरा है, पता है कि जहां पे मैं खड़ा हूं इतने छोटे एरिया को वो मौसम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे इसको और समझेंगे विस्तार से और बातें करेंगे इसके बारे में। और जब मैं प्लेस की बात करता हूं तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये एक कंट्री भी हो सकता है, बहुत सारे कंट्री मिलकर भी क्लाइमेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम सीजन की बात करते हैं तो ये क्लाइमेट से कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया होता है। और जब हम वेदर की बात करेंगे तो ये पिन पॉइंट है, वेदर हम हवा में बात नहीं कर सकते,
हमें बताना होगा। अभी मैं आपके सामने LNS की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ का भी एक मौसम है। तो अगर मैं मौसम की बात करूँगा तो मुझे बताना पड़ेगा SCRT और वो रूम जहाँ पर मैं LNS प्रस्तुत कर रहा हूँ, यानी कि ये पारी चीज है। और मैं डेट की बात करूँगा तो क्लाइमेट पूरे साल ऐसी रहती है, इसमें बदलाव नहीं आता। लेकिन जब मैं सीजन की बात करूंगा, सीजन जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बदल जाएगा। और जब मैं वेदर की बात करता हूँ, वेदर को डेट और टाइम के नहीं बताया जा सकता, यानी कि इसके जब हम बात करेंगे तो ये जो है बिल्कुल ही पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ डेट एंड इन द रेफरेंस ऑफ टाइम। जब हम इससे आगे बात करते हैं तो बात करते हैं सीजन डिफाइन करें, तो मैं जो समझा इसके बाद, और मैं हटके थोड़ा सा आपको बताऊं, तो हमने सबने म्यूजिक सुना है और लाइव देखा भी है कि म्यूजिक कंपोज किया जाता है। तो देखेंगे कि जब म्यूजिक कंपोज हो रहा होता है तो वहां पर हमें आवाज दिखाई देती है। जब गाने ज्यादा फोकस करना, वाह हम तो मैं आपको और वो माइक को या सब सिस्टम को जब वो अपने पास रख लेते हैं तो इसका अब हमें गंदा ज्यादा महसूस होगा। इसका मतलब है, और क्लियर कर दूं, तो दिल्ली की बात शायद, और उस वक्त आकाश की स्थिति देखेंगे तो हमें ये लगता है कि सब तरफ सूर्य देवता ही विराजमान है, उनकी महिमा चारों तरफ चल रही है। जैसे को पहले बताया कि जो है रोल प्ले कहा है, इसका मतलब यह है कि बाकी की जो पॉइंट आता है वो आता। अब जो है आप अपने सिस्टम में मुझे बताएंगे कि हम क्या कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता, क्या कभी आपके माइंड में यह आया है कि ये कैसे होता है और क्यों होता है? क्या आपके मन में कभी प्रश्न आया नहीं कि उसका जवाब नहीं मिला? और मैं ये कुछ प्रश्न आपके तरफ डाल रहा हूं, रेडीमेड चीजें परोसने की मुझे आदत नहीं है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं तो तब भी ये 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा? क्या मैं नॉर्थ पोल भी ये सबसे बड़ा दिन होगा, या मैं किसी और जगह पर चला जाऊंगा तो सबसे एक बड़ा दिन होगा? तो हमें ये रीथिंक कर, हमने बच्चों के बीच में जब हम लर्निंग में लेके जा रहे हैं तो हमने कैसे लेके जा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रेनी सीजन की, अब क्योंकि म्यूजिक कंपोज हो रहा है, सीजन बन रहे हैं,
वेदर मौसम बन रहा है, क्लाइमेट बन रही है, तो सूर्यता भी कब तक हम के चलेंगे, वो भी तो थक जाएंगे ना। अब ये यही मार्ग उन्होंने बादलों को दे दिया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बादलों को दे देने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य देवता सीन से बाहर हो गए या हवा बाहर हो गई। अब की कॉन्सेप्ट या की रोल है वो बादलों का है। तो गरजेंगे बरसेंगे तो रेनी सीजन होगा, हमारे यहाँ वर्षा ऋतु हो जाएगी, और वर्षा ऋतु जो है हमारे यहाँ पे जुलाई से सितंबर तक रहती है। जब हम बाहर जाके देखेंगे तो हमें हर तरफ बादल दिखाई देंगे, कुछ चलते हुए, कुछ रुके हुए, कुछ काले, कुछ सफेद, कुछ गरजते हुए, कुछ बरसते हुए। इसका पीक हमारे को 23 सितंबर को लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जो दिन और रात हमने बच्चों को समझाया है, ये समझाया क्या मैं कहूँगा, रटवाया है कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं, फिर वही बात है कि उसके बाद फिर ये इनमें चेंज होना शुरू हो जाता है। और फिर क्योंकि इन्होंने भी अब 3 महीने से माइक उठा रखा है, फिर ये थके हैं, तो इन्होंने कहा कि अब बारी जो है स्प्रिंग की है, जिसको कि हम वसंत ऋतु। इन्होंने विरासत में दिया था, सूर्य देवता ने गर्मी दी थी और रेनी सीजन में हमें बारिश दी थी, तो उसका जो है प्रकृति ने कैसे स्वागत किया वो अब गोचर होगा। वो हमें लगने लगेगा मौसम बड़ा प्लीजेंट हो जाएगा, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, हर तरफ सुहाना है और ग्रीनरी भी है। तो हम देखते हैं कि ये चीजें लगभग 21 दिसंबर तक रहती हैं, और उसके बाद फिर कोल्ड सीजन शुरू हो जाता है। अब इन्होंने फिर माइक आगे शीत ऋतु को दे दिया है, और इसकी अवधि जनवरी से मार्च तक रहती है, और आकाश में हम बादल का आभास होता है, बादल का आभास होता है, और उसमें कभी पाला गिरता है, कभी फोग गिरता है, और विजुअलिटी कम होने लग जाती है, और हम ठंड से ठिठुरने लग जाते हैं, और ये 21 मार्च तक ऐसी सिचुएशन बनती है, और फिर ये साइकिल निरंतर चलता रहता है सदियों से। ये जान लीजिए कि हमारे दुनिया में आने से पहले भी ये सिस्टम चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कि वेदर का की पॉइंट क्या है, जब हम उस की पॉइंट क्या होगा। तो ये जब हम वेदर की बात करें, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसका मतलब ये है कि जब भी हम वेदर तो हमें स्काई की तरफ देखना ही होगा, अपने वातावरण को देखना ही होगा, वहां पर हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं ये होगा न्यूयॉर्क में कैसा चल रहा होगा, हमें ये नहीं, इसमें प्लेसनिस्ट है। आपको पिन पॉइंट बताना होगा कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में SC डिफेंस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, डिफेंस कॉलोनी में SCRT की बात कर रहा हूँ, और SCRT में उस रंग की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये LNS चल रहा है, वहां से मुझे स्काई दे रहा है। अगर मुझे बाहर सूर्य दिखाई दे रहा है तो मैं उसी हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो ये सारी प्लेस का होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है डेट, कौन सी डेट को, ये नहीं कि मैं जो है बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले की, 20 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि 20 साल पहले इस जगह पे ये मौसम एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी। देन है टाइम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मौसम बहुत तेजी से बदलने वाली चीज है, इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 10:40 कुछ सेकंड हुए होंगे, तो अगर मैं मौसम की बात करूंगा तो मुझे इतनी एक्यूरेसी से बात करनी पड़ेगी, इतना एक्यूरेट जाना ही होगा। देन नेक्स्ट, जब अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट बहुत टाइम के जो हमारे को हम वेदर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका जो हमने कलेक्शन किया है उसके बेसिस पे हम जो है
प्रिविलेज लेते हैं कि कोई एक एक जगह पे लंबे समय तक कंडीशन कैसी रहती है, वो हम क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि क्लाइमेट को जब हम निर्धारित करते हैं तो उसके पीछे कुछ सेट रूल है, प्रिंसिपल है, कि हमने ये देखा कि किसी जगह पे पूरे वर्ष भर टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ पे हवाओं की दिशा कैसी रहती है, वहाँ पर जो है बारिश कैसी होती है। इसको कलेक्टिव करके हमने जो है जलवायु का या क्लाइमेट का निर्धारण किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे हम दो ही लोगों के अभी प्रिंसिपल रूप से क्लाइमेट का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसमें हैं कि एक कोपन है और एक थॉर्नवेट है। मैं स्टूडेंट से हमेशा कि जब हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, क्या हम अपने यहाँ की एग्जिस्टिंग वेदर कंडीशन को उन कसौटियों पे परख सकते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा एक्यूरेट है, कोपन ज्यादा कोऑपरेट एक्यूरेट है कि थॉर्न वेट को ज्यादा एक्यूरेट है। और दूसरी बात यह है, हम बात करते हैं कि क्लाइमेट बदल रही है, क्या ये वास्तव में बदल रही है? अगर बदल रही है तो इसमें क्या चीजें हैं? तो कुछ नहीं करते, आपके सामने ये मानचित्र है, आप अलग अलग तरह की यहाँ पर क्लाइमेट दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक जैसी कंडीशन कहाँ पर है, और जहां तक भी वो कंडीशन मिलेगी वो एक क्लाइमेट जोन बन जाता है। फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जब इनका निर्धारण बात करते तो वही हैं है ना। तो इनकी सीमाएं हम कैसे निर्धारित करते हैं? क्या इनके बीच में हम कोई दीवार खड़ी कर देते हैं? कहीं तो इन दोनों का मिलन होता होगा, दो अलग तरह की क्लाइमेट का, वहां पर क्या होता है? ये अगर प्रश्न आपके पास जवाब है तब आप डालिए उसमें, और नहीं है तो अब तक आपके पास क्या इसका सब्स्टिट्यूट था, आपने क्या सोचा, आप उसमें जरूर डालेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। जब तो हम इन तीनों करते हैं तो फिर हम ये करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं कि वेदर क्या है, सीजन क्या है, क्लाइमेट है, सीखूंगा कैसे मैं, क्या है मेरे पास, डेटा कहाँ से आएंगे? तो मैं ये देखता हूं कि पहले हमने जो है हर कंट्री ने अपने अपने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, सैटेलाइट ऊपर से पृथ्वी की तस्वीर, बहुत सी जानकारियां आती हैं, वो हमारा सोर्स है जिसके माध्यम से ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सोर्स है इसी के बेसिस पे, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेज आती है या एक्सपर्ट का काम है वो आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, मैं उसको देखूंगा, डिजायर इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाऊंगा, उसको प्लॉट कर दिया जाता है। उस कंडीशन को हम सिंबल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वो जो है वेदर मैप होता है। फिर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आप रोज देखते होंगे, चाहे हम कॉलम को पढ़े चाहे ना पढ़े, कई बार हम सोचते होंगे कि पता नहीं न्यूज़पेपर वाले क्यों दे देते हैं, हम तो मांगते नहीं इसको, लेकिन वहां पर भी कुछ सूचनाएं रहती हैं डेली वेदर के बारे में। नेक्स्ट है गूगल वेदर फोरकास्टिंग, इसके ऊपर मैं जरूर कोशिश कि आपका ध्यान चाहूंगा, ये एक लेटेस्ट वर्जन है, अगर किसी के पास मोबाइल है और उसके मोबाइल पे ये डेटा प्रस्तुत होते हैं, ये कैसे आप इस्तेमाल कर, ये अभी तक का आपका विजन है, मुझे समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर जरूर आपसे कुछ समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा सोर्स है आज के डेट में। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल डेटा। मेट्रोलॉजिकल डेटा क्या होता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट स्वयं लगा लेते हैं, मान लिया कि मैं मेरे को ये कि मुझे ये चेक करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, सारे डिवाइस हैं आपके पास, मोबाइल है जो आपको हर वक्त टेम्परेचर बताता है, मेरे पास घड़ी है टेम्परेचर बताती है, हम थर्मामीटर से उस वक्त जगह का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, तो कम से कम हमें डाइवर्जन पता चल जाएगा। इसके कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं
जो समय समय पर रीडिंग लेते रहते हैं। पहले तो ये सारी चीज़ें मैनुअल होती थी, आजकल हर चीज़ें जो हैं मशीन के साथ कंप्यूटर के साथ जुड़ी रहती हैं। जो भी इसमें ऑब्जर्वेशन आती है प्रति आप एक फिर इस इंफॉर्मेशन को घंटों के दिनों के हिसाब से सीजन के हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से ये इसको हम अपने पर्पज से इकट्ठा करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। एक और आपसे मेरा प्रश्न है कि इसके ऊपर मैं ये चाहूंगा कि आप अपना मत मुझे दें कि क्या इसके अलावा भी कोई और सोर्स है जिससे कि हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास समय का अभाव रहेगा, मैं इन्फॉर्मेशन को आपके साथ गैदर नहीं करूंगा, लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा अपने आपके साथ। मैं बहुत कुछ जो फॉर्मल सिस्टम से नहीं सीख पाया उसका सोर्स मेरी मदर है। मेरी मदर की फोरकास्टिंग हमेशा मौसम के बारे में एक्यूरेट रहती थी और मुझे जो है हमेशा जब भी मैं ये मान के चलता था कि मैंने एमफिल किया है इस सब्जेक्ट में तो मुझे कम से कम वो चीज़ें आनी चाहिए, मैं हमेशा मुझे शर्मिंदा होना पड़ता था, मेरी फोरकास्टिंग कभी करेक्ट नहीं होती थी। तो मैंने अपनी मदर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और उनके समझ को जानने की कोशिश की कि वो इतनी अच्छी भविष्यवाणी कैसे कर लेती हैं। तो वो एक अलग विषय है, मुझे मिलेगा तो मैं जरूर, लेकिन आपसे मैं जरूर जानना देखो चाहूंगा कि और सोर्सेस क्या हैं जिससे कि हम ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास किस रूप में आ रही है। पहला आप ये देखिए, जो सैटेलाइट इमेज होती है वो तरह की होती है, ये ऊपर से बस नहीं लिखे होंगे लेकिन आप देख रहे हैं कि बादल हैं और ये बादल अपने आप में कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं आपको लाइव डेमो नहीं दे सकता 2-3 मिनट का। नहीं तो आप ये देखेंगे कि आजकल इतने पावरफुल कैमरा लगे, हमें सैटेलाइट वहां से इमेज भेजता है, तो जब मैंने आपसे बात की है पता नहीं किसने भेज दी होंगी सैकड़ों में, और उसमें क्या होता है कि जो चीजें चल रही हैं अगर ये बादल अभी यहाँ पर है तो ये यहाँ जाएगा, इसकी मूवमेंट कहीं बदल जाएगी, ये आगे चला जाएगा पीछे चला जाएगा, तो मौसम वैज्ञानिक इसकी मूवमेंट के हिसाब से ही हमें बताते हैं कि आगे क्या घटित होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इसके बेसिस पे क्योंकि वो चीज़ें एक्सपर्टों की है तो ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं, इस तरह का मैप बना देते हैं, लेकिन इसकी अपनी लिमिट है क्योंकि पहले हम वहाँ से सैटेलाइट से इमेज लेंगे और इमेज लेने के बाद मैप के ऊपर इसकी प्लॉटिंग करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी प्रेजेंट वेदर के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे। बच्चों जो जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं बच्चे कह रहा हूँ क्योंकि सभी क्लाइंटल इसके ऊपर साथ होंगे, जब हम पढ़ते थे तो हमारी ये मजबूरी थी कि हमें ये मैप 15-20 साल पुराने मिलते हैं, तो कभी बार इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो अब उसके बारे में हम जान के क्या करेंगे। आप पास अपॉर्चुनिटी है, ना केवल आप अभी का वेदर जान सकते हैं, पीछे का भी जान सकते हैं और आगे का भी जान सकते हैं, इसलिए ये जब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है तो हमारी स्किल बढ़नी चाहिए थी वेदर को फोरकास्ट करने में। हम कहाँ पर हैं ये हम आत्म विश्लेषण करेंगे, मैं किसी पे कोई इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो है हमारा न्यूज़पेपर एक सोर्स है, न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन कैसी आती है क्योंकि न्यूज़पेपर एक पर्टिकुलर जगह का तो नहीं होता, उनको पूरे भारतवर्ष में बेचना है तो जहाँ जहाँ पे उनका सर्कुलेशन होता है वो उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें उन्होंने पालम का भी दिया है, श्रीनगर का दिया है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, और उसके बाद जो है वहाँ पर क्या वेदर कंडीशन है, स्ट्रोंग विंड है कि क्लाउडी है, ऊपर से हैं, और उसी के साथ साथ आपने देख रहे होंगे कि ये एक और तरीका है बताने का। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया, तो उस वेदर को
अगर हम अपने हिसाब से समझे तो वो कैसा है, तो उन्होंने कर दिया है वेरी पुअर है, वेरी गुड है, कैसा है, तो वो उसके प्लेजेंट के ऊपर लगता है। तीसरी चीज है जो देखियो न्यूज़पेपर में कॉमन होती है कि देखें तो देख बादल है और यहाँ पर सूर्य अभी चमक रहा है और अधिकतम तापमान लिखा हुआ है, न्यूनतम तापमान लिखा हुआ है, ये दोनों के साथ ब्रैकेट में कोई फिगर लिखी हुई है, यहाँ पे शून्य लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ -4, इसका मीनिंग है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। इसके मीनिंग को जानते हैं तब भी आप मुझे शेयर करेंगे, और अगर नहीं जानते हैं तब भी आप शेयर करेंगे। मैंने आपसे ये प्रश्न किया था, ये देखिए उसके बाद आ रहा है कि सूर्यास्त हो रहा सोमवार और सूर्योदय हो रहा मंगलवार को, हो रहा दोनों टाइम है, क्या ये बस बताने के लिए है? इसके आधार पर हम क्या चीज गणना कर सकते हैं? क्या ये इसके आधार पर हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं? आपको मैं पूरा समय दे रहा हूं सोचने के लिए, आप सोचिए फिर लौट कर आएंगे। तीसरी चीज है गूगल, जो मैंने ये सीधी सीधी इमेज जो है मोबाइल से ली है, आपके भी मोबाइल को जैसे ही आप इसको खोलेंगे और वेदर के लिए जो एक सिंबल बना रहता है इस तरह से बादल का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको 5 दिन का वेदर दिखा देगा तुरंत। पहले तो 3 दिन का दिखाता है, अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से दिखाएगा, और अगर उसका एनालिसिस पे पॉइंट करते हैं तो आपको इस तरह की इमेज आपको दिखाई देगी कि ये देखेंगे कि कैसे कैसे वो सिनेरियो बदल रहा है, सुबह 4 टेम्परेचर कैसा था, कैसी कंडीशन थी, 7 बजे कैसी थी, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम कितना जा रहा है, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है। आप देखेंगे कि विंड की स्पीड भी लिखी हुई है और ह्यूमिडिटी भी लिखी हुई है, प्रिसिपिटेशन भी लिखा हुआ है, और ये देखिए कि ये तो है आपको नॉर्मल का, लेकिन जिस वक्त ये इमेज ली गई है, देखो दिल्ली है, मैंने कहा था आपको पहले ही कि वेदर को बताने के लिए हमें प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली, और आप देखेंगे कि टाइम भी लिखा हुआ है संडे 3 बजे, और उस वक्त लिखा हुआ है कि जिस वक्त ये लिखा हुआ है कि ये 34 डिग्री टेम्परेचर आई हूँ, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये टेम्परेचर मैक्सिमम ये इससे वेरी कर सकता है, ये समझने की बात है। अब हम वेदर को कलेक्ट, इसके इंफॉर्मेशन को हम नहीं रिलाय करते हैं न्यूज़पेपर पे, हम नहीं किसी पे रिलाय, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे कि हम मौसम के बारे में इंफॉर्म, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इससे हम टेम्परेचर नापते हैं, इससे हम प्रेशर नापते हैं, इससे हम विंड की डायरेक्शन को देखते हैं, स्पीड को देखते हैं सॉरी, और इससे हम डायरेक्शन को देखते हैं, ये बैरोमीटर है जो कि हमें प्रेशर बताता है, ये वर्षा कितनी हुई ये बताता है, तो ये जो है सारी चीजें हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये क्या कैसे हम अपने वेदर के डेटा को इकट्ठा करेंगे। अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक की जर्नी हमारी सुखद रही है और अब हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है। डेटा जब इकट्ठा कर लिया है तो वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिसको कि हमने एनालिसिस करना है? रेडीमेड चीजें बताने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एनालिसिस अपने आप में कुछ नहीं बताता, एनालिसिस तो हमें वही चीज बताएगा जैसे हमने स्टेटिस्टिक्स उस पर लगाई है। मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ तो हमने एवरेज का फार्मूला लगाया तो उसने एवरेज बता दी, लेकिन वो अपने आप में किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। इंडिकेशन क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस एनालिसिस के बेसिस पे मैं इंडिकेशन क्या कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ये सारी चीजें समझने का, अगर मैं समझता हूँ और अच्छे से जानता हूँ तो इसके बेसिस पे जो बात कहूंगा वो मेरी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जो मुझे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, टेम्परेचर की बात करता हूँ तो
और टेम्परेचर के साथ पीरियड की बात करूंगा तो उसमें एनुअल टेम्परेचर की बात होगी, सीजनल टेम्परेचर की बात होगी, मंथली टेम्परेचर की बात होगी, वीकली की बात होगी, डेली की होगी, आवरली की होगी और मूवमेंट की होगी। और जब मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूंगा मैं तो पता चलेगा मुझे टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, डाइवर्जन कितना है एवरेज से और एक्चुअल कितना है। इतनी सारे इसके साथ की कंपोनेंट हुए। जब मैं प्रिसिपिटेशन की बात करूंगा तो फिर यह है कि सेम रहेंगी तो यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम वर्षा कितनी होती है, कम कितनी होती है, एवरेज कितनी हुई है, एवरेज से कितना डाइवर्जन है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, एक्चुअल कितनी हो रही है, और सरप्लस और डेफिशिएंट कितना, डेफिशिएंसी कितनी है, कितनी होनी चाहिए थी और कितनी एक्चुअल में हो रही है। इसी तरह से ये एयर मूवमेंट के साथ भी है और एयर प्रेशर के साथ भी है। ये तो मैं इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी मुझे सुन रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि सर आपने आइसो आइसोथर्म की बात नहीं की, आइसो हाइट की बात नहीं की, वो अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें काम आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बढ़ाता रहूँगा तो ये चीज़ें बहुत आगे तक चली जाएंगी और मुझे फिर मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे फैला दूंगा और जब मैं समेटने लगूंगा बताने लगूंगा तो पता चलेगा नेट सेल में कुछ नहीं पता चला, तो इसलिए मैं जानबूझ के उन चीज़ों को नहीं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें कोई चीज़ क्यों नहीं आती, ये मैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं अगर वाशिंगटन डीसी की बात करूंगा तो वाशिंगटन डीसी की मैं बात तो कर दूंगा, लेकिन बच्चा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे लेगा? तो मैंने आगे की जो इंटरप्रिटेशन है उसको बताने के लिए दिल्ली चुना है, दिल्ली पर्पसली चुना है, क्योंकि दिल्ली में हम रहते हैं और उसमें भी जुलाई का महीना अभी बीता ही है, जुलाई के अपने एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, सीमा है, एक ही स्लाइड मुझे बनानी थी, तो आप देख रहे होंगे कि आईटीओ पे भयंकर पानी भर गया और वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं थी, जो हमारा विजय चौक है, और आपने देखा होगा कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी नाले में पानी आया और नाले में आशियाने बह गए। ये दिल्ली के मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। और जब मैं इसको न्यूज़पेपर आइटम की बात करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं इसमें न्यूज़पेपर को दिखाना चाहता, आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने कटिंग लगाई है ये 13 जुलाई की है। आपने देखा होगा कि जब इस बार रेनी सीजन की बात हो रही थी तो मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट की तरफ से ये था कि इस बार मानसून एडवांस है और दिल्ली की जो ड्यू डेट है 1 जुलाई उससे कहीं पहले मानसून यहाँ पर हिट गया, और जब 12 जुलाई तक बारिश नहीं हुई तो न्यूज़ आइटम बन गई, और न्यूज़पेपर आइटम बनी तो उन्होंने बहुत इसको सार से न्यूज़ आइटम बनाया कि दिल्ली में 12 जुलाई 32% पानी, मानसून वर्षा की कमी थी, उसमें भी अलग अलग इलाकों में अलग तरह की कमी थी। और आप ये देख ही रहे हैं कि ये हमें सबने को दहशत हुई जब हमने मिंटो ब्रिज का हाल देखा, उसमें एक बस फंस गई थी और एक व्यक्ति की जान भी चली गई, वो भी दिल्ली के इतिहास में रेयरेस्ट घटना है। और सबसे बड़ी बात यह, इसका मुझे मेरे पास वीडियो भी है लेकिन मेरी लिमिटेशन है, समय मुझे परमिट नहीं करता मैं दिखाऊं, कि पहली बार मैंने कनॉट प्लेस को स्विमिंग पूल के रूप में देखा, और ऐसा वैसा स्विमिंग पूल नहीं, तो वो कमर तक उनके पानी है, और जब वो वैसे कर रहे हैं तो उनकी गर्दन ही दिखाई दे रही है, और ये वो सीन है कि जहाँ पर जो कि दिल्ली में जो है पहली बार किसी बस्ती किसी घर को जो है डिमोलिश कर दिया। अब दिल्ली के जब मौसम की बात करते हैं तो देखिए कि डेटा मैंने आपको पिछली बार बता दिया कि डेटा में ये हमें, मैं ये मान के चलता हूँ कि जोड़ घटा हमें सबको आती है,
हम एवरेज निकाल लेते हैं, हम कुछ हम कर लेते हैं, पर सारी चीजें हमें करनी आती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको अब हमने कैलकुलेट कर ली है, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फिगर कौन सी आई है। तो मैंने ये देखा कि डे वाइज हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे थे, और हम अपने बच्चों को असाइनमेंट भी देते हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अपने घर में न्यूज़पेपर को कलेक्ट करना, और न्यूज़पेपर के में से जो भी टेम्परेचर के डेटा हैं, वेदर के डेटा हैं, उनको आप कलेक्ट कीजिए। और कलेक्ट करने के बाद बच्चे जब कलेक्ट करते हैं तो उसका जोड़ करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर का मैक्सिमम टेम्परेचर का जोड़ करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो कौन सा दिन है जहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर रहा, किस दिन बारिश हुई, किस दिन जो है उन्होंने देखा कि इस दिन में टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर है। तो ये जो चीज़ है ये दिल्ली की क्लाइमेट को दिखा रही है। दिल्ली में जो क्लाइमेट है वो आप देखेंगे कि दिल्ली का टेम्परेचर इसी रेंज में रहता है। आप देख रहे हैं ये ग्राफ है जो दिखा रहा है कि दिल्ली का टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, और फिर कौन कौन से महीनों में कितनी बारिश होती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि जब ये स्थिति हमारे साथ होती है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिश सब जगह हो रही है, लेकिन जो बारिश है सबसे ज्यादा बारिश है वो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर। कई कई बार मानसून पहले आ जाता है तो ज्यादा बारिश जून में होती है, और कई कई बार बारिश लेट होती है तो वो सितंबर। ये मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, ये बात में रहनी चाहिए, ये इंटरप्रटेशन है। और इसमें एनालिसिस क्या था कि मैंने पूरे वर्ष का डेटा इकट्ठा किया, जिस तापमान था और वर्षा के आंकड़े लिए, तो उस तापमान को इकट्ठा करने के बाद मैंने उसकी एवरेज निकाल दी। एवरेज निकाली है उसको मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, यानी कि दिल्ली में एवरेज टेम्परेचर ही होता है क्लाइमेट के हिसाब से, और दिल्ली मल इस दौरान इतनी इतनी बारिश होती है। ये एक आइडियल कंडीशन है। इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि क्या ऐसा होता है हर बार। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जितने उनके पास सूचनाएं थी, जितना उनके पास डेटा था, जितनी उनकी समझ थी, उसके मानसून दिल्ली को 24 जून को हिट करेगा, और वो हम इंतजार करते रहे और 13 तारीख को ये न्यूज आइटम बन जाती है, और 16 तारीख को फिर मानसून की दस्तक होती है। और मानसून की दस्तक जब होती है वो इतना बरसता है, जो हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे वो बारिश उसी दिन सरप्लस हो जाती है। आपने जरूर इस बात पे ध्यान दिया होगा कि जब इतने लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई तो 16 तारीख को दिल्ली में कितनी बारिश हुई थी। दिल्ली में उस दिन 70 से लेकर 80 mm तक बारिश हुई, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में बात करें तो ये 7 से 8 सेंटीमीटर। अगर हमें एक लेमैन के हिसाब से इस चीज को समझना है कि मैं कैसे समझूं कि कैसे बारिश हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक समतल प्लेन पे को यूनिफॉर्म तरीके से इकट्ठा कर पाए तो हर जगह इस पानी की डेप्थ 7 से 8 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि इतना पानी। अब आप इसको दूसरी तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, अगर ये पानी एक ही जगह बरस गया तो आप मिंटो ब्रिज को देख रहे हैं, जहां पर भी ये बरसेगा ये ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये इसका इंटरप्रिटेशन। अब आप इसमें ये देखेंगे कि 16 तारीख को 3 दिन बरसने के बाद फिर एक लंबा सूखा आ जाता है, और जब हम ये देखते हैं कि सावन खत्म होने को है फिर पानी अब 3-4 दिन से बरस रहा है। कुल मिला के ये
जहां पे हमारे फोरकास्ट थी कि नॉर्मल होगा, नॉर्मल से डेफिशिएट हो जाता है, और डेफिशिएट से इस महीने जुलाई के महीने में जो लास्ट इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे बारिश सरप्लस हो गए, अब कोई डेफिशिएंसी नहीं। अब ये तो हुई क्लाइमेट की बात, ये है किसी पर्टिकुलर सीजन की बात। किसी सीजन में यह रहा होगा, देखेंगे कि स्लाइटली डिफरेंट है कि उस साल में टेम्परेचर ये ट्रेंड रहा, टेम्परेचर का ये ट्रेंड रहा और बारिश का ये ट्रेंड रहा। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ था, इस ग्राफ में ये रेनफॉल है ये टेम्परेचर से बियॉन्ड नहीं गई, यानी कि उस साल में ये टेम्परे बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि इसका इसने रिकॉर्ड बना दिया। हम दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में चाहे मेरा कंसर्न हो चाहे नहीं हो, एक बात को मैं जरूर बता दूं कि कुछ चीज पढ़ते हैं कि हमें एग्जाम पास करना होता है। और अब आप ये सोचिए कि ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं एग्जाम पर पास करने के लिए पढ़ी हैं कैसे हैं। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कुछ चीजें जीवन के लिए होती है, और जीवन को का अस्तित्व किसके साथ जुड़ा हुआ है ये हमें जानना होगा। और क्या वो वेदर के साथ जुड़ा हुआ है? क्या ये वेदर को ठीक से नहीं होगा तो क्या हमारे किसान काम कर पाएंगे? क्या हमारी इंडस्ट्री हमारा पेट भर देगी? तो आप ये देखिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर मैं एक चीज चाहूंगा कि डेटा तो आप देख ही रहे हैं, हर पल डेटा नया बनता है, उस डेटा को इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो पहले पहल जब सुपर कंप्यूटर बना तो भारत ने अमेरिका से ये कहा था कि हमारा बहुत डाइवर्स वाला कंट्री है, प्रतिपल यहाँ चीजें चेंज होती रहती हैं, हमें एक सुपर कंप्यूटर दे दो। अमेरिका ने मना कर दिया, सुपर हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी को क्यों दे, और हमें जरूरत थी। यहाँ पे मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने देश के उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने देश में ही सुपर कंप्यूटर बनाया। नाम बार बार मैं याद करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। उस वक्त अमेरिका के बाद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री थी कि जिसके पास अपना सुपर कंप्यूटर था। और जब आप इस चीज को रिकॉल करेंगे तो आप ये भी रिकॉल करेंगे कि ये सुपर कंप्यूटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें वेदर से संबंधित डेटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए और उसके हिसाब से अपनी एग्रीकल्चर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए बात थी। तो आप देखेंगे कि यह कितनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इंटरप्रिटेशन, फिर इंटरप्रिटेशन। देखिए मैं जोड़ घटा के ऊपर लेके नहीं गया क्योंकि मुझे ये इस बात का बड़ा अफसोस रहता है कि हम बात करते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना है, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना है और टीचर को फैसिलिटेटर बन जाना है। मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि जब आपके यहाँ टीचर फैसिलिटेटर बना तो उसके टीचिंग स्टाइल में क्या परिवर्तन आया, आपने क्या नोटिस किया, उसने अब क्या तरीका अपनाया? और जब मैंने इंक्लूजन की बात की तो इंक्लूजन में क्या हुआ, क्या मैंने गणित में वो सवाल बच्चे को दिए कि ये मिनिमम टेम्परेचर इतना होता है दिल्ली में और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होता है, तो आप ये बताइए कि इसका कितना आया? या फिर ये है कि एक हफ्ते में ये टेम्परेचर रहा दिल्ली में, आप ये बताइए कि इस प्लेस का एवरेज टेम्परेचर कितना हुआ? अगर आपको समझाया गया है, आपका माइंड उसका उसकी तरफ गया है, आपके टीचर ने बनाया है, तो उन शिष्यों के और उन शिक्षकों के प्रति मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। मैं करता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है मैं जरूर जानना चाहता हूँ। ये देखिए इसको हम बहुत
बहुत से तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते थे और बहुत से तरीके से हम इसको बता सकते थे। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, एक में मिनिमम टेम्परेचर है और एक में मैक्सिमम टेम्परेचर है। मैं आपसे जरूर चाहूँगा कि आप अपनी समझ के हिसाब से मुझे ये बताएं कि ये कौन सा एरिया हो सकता है। मैंने दिल्ली लिख दिया है वैसे नीचे, ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये किसी और क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मुझे कि ये कौन सा एरिया हो सकता है। दूसरा ये है कि ये कौन सा महीना हो सकता है, महीना भी आपको बताना है। अब तारा जा रहा हूं, जो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन की बात है, जो की बात है जिसके लिए ये टॉपिक को जो मैंने चुना है, जिसके लिए आपके बीच में मैं प्रस्तुत हुआ हूं। क्लाइमेट कहती है कि ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर है, चीजें इसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वेदर हमारा ऐसे नहीं चलता है। आप देख रहे होंगे कि ये डेटा मेरे पास 2000 से लेकर 2014 तक है, इसमें कभी भी हमने एवरेज के नजदीक नहीं रहे, या तो वो एवरेज से नीचे चला गया टेम्परेचर उस पर्टिकुलर मंथ में, या फिर उससे ऊपर चला गया, और या फिर इतना ऊपर चला गया है कि आप ये देखिए कि उस वक्त उस साल में कितनी गर्मी पड़ी होगी, ये पीक जा रहा है। लेकिन जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर आपको समझना हो तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, विचार कीजिए ये स्ट्रेट लाइन क्या है। क्या ये स्ट्रेट लाइन क्लाइमेट को बताती है, सीजन को बताती है, ये वेदर को बताती है? और ये क्या बता रहा है, ये जो ऊपर नीचे है ये क्या बता रहा है? ऐसे ही आप देखेंगे कि ये इस ग्राफ में है, इस ग्राफ में भी वही चीजें आ रही हैं कि यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर में भी डिफरेंस आ रहा हो। लेकिन आगे देखेंगे तो ये एक फिर स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में मैं जब तक इसको समझूंगा नहीं कि ये मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, और टेम्परेचर को मापा किस में जाता है, उसकी डिग्री क्या है, उसका इंटरवल क्या देना है, क्या मैं उसको ईयर में बता रहा हूँ, क्या मैं किसी पर्टिकुलर डे में, इसको मैं किसी डे में भी तो बता सकता था। मैं ये कहूँ कि 1 अप्रैल को कैसा रहा हो और 1 अप्रैल को ही क्यों, मैं ये कहता हूँ कि 4 बजे की तरह कैसा रहा होगा, उसके हिसाब से भी मैं इसको बता सकता हूँ। तो ये सारा ग्राफ बदलेगा, इसकी इंटरप्रिटेशन बदलेगी। लेकिन ये फिर क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं बहुत ही तेजी से बदलती हैं। तो यहाँ पर एक और मुझे चिंता होती है, क्योंकि जब भी कोई चीज हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं जाती, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत बड़े उनके पास साधन हैं, उनका की काम यही है कि वेदर के फोरकास्टिंग करें वो। लेकिन अगर वो फोरकास्टिंग नहीं प्रॉपर हो पा रही, एक आम आदमी के हिसाब से सोचें कि क्या हमारी उनके प्रति फेथ रहेगा, हम उन पे विश्वास कर पाएंगे? धीरे धीरे क्या हम ये ट्रेंड तो नहीं बढ़ा रहे कि ये लोग तो वैसे ही है, एक सफेद हाथी हमने पाल रखा है, इनके बस की कुछ नहीं है? कि क्या हम जहां पे रहते हैं वहां के मौसम में कुछ ऐसी बात है कि जिसकी वजह से वो भी उसका ठीक से, तो कम से कम मैं अपने यहाँ पर रहते हुए ये चीज को महसूस तो कर सकता हूँ, उससे तो कर सकता हूँ कि वो चीजें कैसी हैं या कैसे नहीं है। मैं अपनी बात के माध्यम से, जो मेरी अपनी सीख है, तो उसके माध्यम से मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। अगर हम
रहने की बात करें, काम करने की बात करें, तो मेरा एक ऑफिस हो सकता है, वो मल्टी स्टोरी भी हो सकता है, वो सिंगल स्टोरी भी हो सकता है, वो टीन शेड में भी हो सकता है, वो SBS स्टाइल में भी हो सकता है, वो पक्का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अगर मैं घर में बात करूँ तो मेरे घर में बहुत सारे रूम हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरा एक ही कमरा हो। क्या आपने कभी महसूस किया कि सर्दी के मौसम में उसी कमरे में हम एक पर्टिकुलर जगह बैठने की कोशिश करते हैं? क्यों? हम वही कोना क्यों पकड़ना चाहते हैं? और क्या गर्मी पे आने पे भी, गर्मी के सीजन में भी हम वही बैठना चाहते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम बात करते हैं पूरे विश्व के वेदर की, क्लाइमेट की, सीजन की, हम बात करते हैं दिल्ली के मौसम की, क्लाइमेट की। क्या मुझे अपने घर के वेदर के बारे में पता है, समझ है? क्या मेरे घर में जो चार कमरे हैं, चारों का तापमान एक जैसा रहता है? क्या आप चारों एक जैसा कंफर्ट देते हैं? क्या कमरे के अंदर भी मैं जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी टाइम पे बैठना की कोशिश करता हूं? मैं एक और घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे मामा लगते हैं, चंद्रमा, उनको हम मामा कहते हैं। और मजे की बात यह है कि मेरे दादा के भी मामा थे, एक रिश्ता जो बदलता नहीं, मेरे पिताजी के ही मामा थे और मेरे भी मामा हैं। और सबसे बड़े अचंभे की बात है कि मेरे बेटे के भी मामा हैं, उनका रिश्ता किसी के साथ नहीं बदलता। सभी ऐसा तो है नहीं, वो कभी कभी आते हैं। हमारे यहाँ पे एक फास्ट होता है करवा चौथ, उस दिन जो फास्ट रखते हैं उनको तो उसकी ही है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता औरों को होती है। और पूरे मोहल्ले में एक अजीब सा माहौल होता है, निकला नहीं निकला, कहाँ से दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है कि इस करवा चौथ को जो मून राइज होगा वो 20 मिनट पे होगा। क्या 8:20 पे मुझे भी दिख जाता है? अगर मैं किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे रहता हूँ, टॉप की छत पे खड़ा हूँ, तो तब मुझे दिखेगा। और अगर किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तलहटी में मेरा घर है, तो तब मुझे वो मून कब दिखाई देगा? जब मेरे सर पे आएगा तभी दिखाई देगा ना। तो बच्चे को क्या हमें ये चीजें बतानी है कि नहीं बतानी है? कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने हवा में ही, मैंने आपसे शुरू में ये कहा था, हम बात करते हैं 21 जून, मेरे जैसा व्यक्ति तो क्लासरूम में जाता है और ये पूछ सोच के चलता है कि शायद किसी कोने से पूछ लें, सर यही सबसे बड़ा दिन क्यों होता कैसे होता है और क्यों होता है? शायद जब ये बात हो तो मैं उसको ये कहूं, देखो आज सूर्य उदय कितने टाइम हुआ, वैसे तो सूर्य उदय और सनसेट जैसी कोई चीज नहीं होती, हमने बना दी अपनी सुविधा के लिए। क्या उसके दिखने की, मैं ये कहता हूं कि बच्चे को हमने ये बताना है, हम बच्चे को क्यों है हम आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट देते हैं? बच्चा अपनी खिड़की पे खड़ा हो और उस अवधि को तो देख सकता है, वो अवधि तो नहीं बदलेगी कि कब उसको सबसे पहले सूर्य दिखाई दिया, वो टाइम तो वो नोट कर सकता है, और कब उसको दिखना बंद हुआ। मैं यहाँ पे अंधेरे की बात नहीं कर रहा, मैं उसको दिखने की बात कर रहा हूं। जब वो ये करेगा तो उसको ये भी होगा कि उजाला कब तक रहा। कई बार हम पहाड़ों में जाते हैं कि हम वहां पे जाके मून राइज देखेंगे, और हम जो है वहां पर जाके इतना रजाई हमें प्रिय लगने लग जाती है कि हम सोचते हैं कि जैसे अब
सूर्य हमारा इंतजार करेगा, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे नहीं। और ये घटना कितने टाइम की होती है? फिर कहते हैं कि इतनी दूर से हम चल के आए भी और हो गया, कितना टाइम लगता है उसको? जब बच्चे को हम बताएंगे कि ये हमारी अवधि है और इसके बीच की अवधि को हम दिन कह रहे हैं, और जब इसको हम 24 से माइनस करेंगे तो उसमें रात की अवधि हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने रात की अवधि बताई है, लेकिन मैं बहुत सी जगह ये नोट करता हूँ, इसको हम सीधा सीधा मून की अपियरेंस के साथ जोड़ देते हैं। अगर हमने उसको मून की अपियरेंस के साथ जोड़ देना है तो फिर तो अमावस्या को रात हुई हुई नहीं। अगर मून दिखाई देने से रात है तो फिर अमावस का क्या करेंगे जिस दिन हमको मून दिखाई नहीं देगा? मुझे लगता कि जो मेरे मन में डाउट है, जो शंका है, वो आपके मन में भी होगी। प्रश्न ये उठता है, शंका तो हमने अपने माइंड में रख ली, उसका समाधान कहाँ से आएगा? और बच्चे कैसे सीखेंगे? मुझे सबसे बड़ी बात चिंता है बच्चे की, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर बच्चे को ट्रैकिंग सही हो जाती है तो वो बच्चा बाद में उन चीजों को विचार करता है। मैंने फिर आपके सामने एक प्रश्न दिया था, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जरूर उसके ऊपर विचार किया होगा कि और कौन से सोर्स हैं हमारे पास डेटा कलेक्शन के। यहां पर मैं आपको फिर एक हिंट दे रहा हूँ, जवाब नहीं दूंगा, कि हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा जंगल में रह रहे हैं, हमारे आसपास तो कोई वातावरण ही नहीं है, तो हम कहाँ से सिखाएं बच्चे को? मैं फिर ये कहूँगा कि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है कंटेंट में एनरिच है, और कंटेंट जिसको आता है वो उस चीज को कई तरह से बता देगा, और अगर हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो फिर वो कैसे चीजें आएंगी? अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों जाओ बायोडायवर्सिटी पार्क में, और बच्चे जाओ पहाड़ पे या समुद्र के किनारे पे चले जाओ और वहां पे जाके एटमॉस्फेयर का अवलोकन करो, कितनों के पास अपॉर्चुनिटी होगी और कितने टाइम के लिए होगी? अवलोकन कहाँ होता है? यहाँ पे बच्चा रहता है, जो वहां पे वो चीजों को देख रहा है, चाहे वहां पर जाके किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे को 20 अपॉर्चुनिटी मिले किसी चीज को देखने के लिए, लेकिन घर में चार पांच तो मिलेंगी। वो कौन सी चीजें हैं कि जो हमें इंडिकेशन देती हैं? और एक बात और, कि क्या हम वेदर से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं? क्या मेरे घर में वेदर लाइक कोई सिचुएशन है? एक चीज मैं आपसे और प्रश्न कर रहा हूं, हम बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं, स्टेजेस ऑफ वाटर। हम ये कहते हैं कि पानी है, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो पानी बर्फ में बदल जाएगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रीम में बदल जाएगा। पानी स्ट्रीम में कब बदलेगा? जब वो पानी उबलेगा। यही बताते हैं ना, बिना उबले तो भाप नहीं बन सकती। इसको आप जरूर उसमें मेंशन करेंगे और अगली बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम बहुत जगह सैर करने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ पे जितना भी सोर्स है उसका मेजर सोर्स है प्रिसिपिटेशन का, या वर्षा के होने का, वो हमारे ओशियंस है। आप वर्ल्ड में किसी कोने में बता दीजिए यहाँ पे समुद्र के पानी को आपने उबलते देखा है। अगर समुद्र का पानी उबलता नहीं है तो ये भाप कैसे बन रही है, और ये भाप बन रही है तो बादल में कैसे बदल रही है? आप जो है विचार कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको जवाब दूं,
मेरे जो है ये सारी बातें हैं, मैंने पहले वाले में अपनी मेल आईडी इसमें लिखी थी, और इसमें तो आप लिखेंगे मैं सारी इस प्रोग्राम को दोबारा से देखूंगा, और देखने के बाद मैं देखूंगा कि आपने इस पे क्या कमेंट लिखे हैं, और फिर मौका मिलेगा, फिर आपके साथ किसी इसी तरह से प्रस्तुत होंगे, और आज के प्रश्न को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप इस प्रश्नों को आप मेरी मेल पे भी डाल सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो, क्यूरियोसिटी हो, आप उस पे डालिए, और मेरी मेल आईडी है डॉक्टर dr.satnam64@gmail.com। अब मैं अपने मॉडरेटर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि जो आपके जो शंकाएं आ चुकी हैं इस वक्त हमारे पास, या जो प्रश्न आ चुके हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा विचार कर लें। धन्यवाद। हेलो, सर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे टॉपिक को डील किया और बहुत ही बारीकी से आपने हर चीज़ को बताया है। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बताता हूँ। जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि दिल्ली की जलवायु दूसरे प्रदेशों पर क्यों निर्भर करती है, और अचानक कभी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत बारिश हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली की अपनी जलवायु क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो है दो चीज़ें होती है, दो एस्पेक्ट होती हैं, एक होती है हम रिसीविंग एंड पे और एक होती है हम डोनर। हम डोनर नहीं है, हम रिसीविंग एंड पे। हमारे चारों तरफ जहाँ पर इस वेदर की फॉर्मेशन होती है वो चीज़ें हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो थार डेजर्ट है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सीजन को निर्धारित करने का। अगर थार डेजर्ट नहीं होता तो शायद हम बादल तो बनते वहाँ पे समुद्र में, अपनी तरफ नहीं खींच पाते। ऊपर माउंटेन है जो कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं, वहाँ पे वो अलग तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। तो जब भी यहाँ पर गर्मी होती है तो ये गर्मी से वैक्यूम बनता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी हम बात करते हैं, मैंने ये देखा, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, हम इन सर्विस में भी देखते हैं, हम विंड की तो बात बहुत करते हैं, और कई बार इंटरव्यू में भी मैं ये जानने की कोशिश की है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन चीज़ों को समझने का, एयर करंट, उसके बारे में हम उतना विचार नहीं करते हैं, और एयर करंट को हमें समझना होगा कि कैसे यहाँ पर वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम बनने से ही ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं। अब क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर कम है, पहाड़ों पे ज़्यादा है, और पहाड़ से हवा दिल्ली की तरफ आएगी। अब मान लिया कि घर में मेहमान आ रहा है जिसकी उसकी क्षमता है, वो अपने साथ वैसा ही गिफ्ट लेके आ रहा है। अब पहाड़ से हवा आ रही है तो ठंडी तो होगी, जितनी हवा आती जाएगी उतनी यहाँ पे ठंड बढ़ेगी, और जितनी ये हवा राजस्थान से आएगी उतना ही हम जो है गर्मी महसूस करेंगे। यहाँ पे देखो, हमारे कवियों ने भी बहुत सारी चीज़ें बातें कही हैं। ये कहा गया है कि मेरे देश में पवन चले पुरवाई। अब फिर मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, पुरवाई तो हो गई, ये पुरवाई पूर्व की तरफ से चलेगी कि पूर्व की ओर चलेगी? मैं भी इस रहस्य को बहुत टाइम के बाद समझा, और उसके बाद क्या होता है, जब ये पुरवाई चलती है उस वक्त मेरे देश को पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। तो ऐसा क्या करिश्मा हो जाता है इस पुरवाई, ये हमें समझना। मेरी आवाज जा रही थी आंसर में, मेरी आवाज जा, है कि पृथ्वी का तापक्रम क्या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है?
सर आपने बहुत ही बेहतरीन चर्चा की वेदर के बारे में, और वेदर का इंटरप्रिटेशन इतने डिटेल में आपने किया है, और कई तरीके के डेटा आप लेके आए, और वो आपने आपने चेरापूंजी और की जो जलवायु है उसके बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा की। साथ ही साथ आपका जो अपना एक भ्रमण रहा है पूरे देश में, आप कई जगह गए हुए हैं, और जिससे आपने बहुत बारीकी से मौसम के बारे में जानकारी ली है, और आप स्कूल के एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, तो उससे आपने वो पूरा लाभ आज अपने पीपीटी के द्वारा और अपने लेक्चर के द्वारा हम लोगों को दिया, और आपने मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में इतनी विस्तार से चर्चा की, और दिल्ली की जलवायु किस तरीके से बदल रही है, दिल्ली में अचानक क्यों बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, इन सभी चीज़ों पर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। साथ ही साथ आपने तापक्रम मापने के इंस्ट्रूमेंट पीपीटी के द्वारा दिखाए, तापक्रम कैसे मापा जाता है, और क्यों आज भी हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो सही डेटा, सही फॉरकास्टिंग नहीं देने का कारण क्या है, इसके बारे में भी आपने चर्चा की, और आपने अपने जो मदर का एग्जाम्पल दिया कि जो गांव में या शहरों में जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो कितने बेहतर तरीके से एक मौसम के बारे में जानते थे, और हवा के चलने पर वो बताते थे कि बारिश का जो अनुमान बताते थे वो लगभग कई दफ़े वो ठीक होता था, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं पीछे हैं। अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें, यूरोप का उदाहरण लें, तो वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा बदलते हैं, और वहाँ की जो फॉरकास्टिंग है बहुत ही एक्यूरेट होती है, वहाँ पर सटीक फॉरकास्टिंग है, उस पर लोगों का बहुत बिलीव होता है, और अपने यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी नहीं हो पाई हैं, और इस कारण लोगों का फेथ भी मौसम विभाग पर कम है, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही विस्तार में मौसम का इंटरप्रिटेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में चर्चा की, जिसका लाभ हम और सभी को, सुनने वालों को, लर्नर्स को बहुत बेहतर तरीके से होगा। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सहयोगी डॉक्टर संजय जी, प्रमोद जी, धीरज जी, हाँ जी, इन सभी लोगों का जिन्होंने इस तकनीकी सहयोग के आधार पर हम लोगों को YouTube पर लाइव प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमारा सहयोग किया। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो सर, पहले कि विधिवत रूप से थैंक्स करें, निश्चित रूप से आपके माइंड में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हम मौसम की एक अच्छी इंटरप्रिटेशन या भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं आपको फिर एक बार जो है एग्जाम्पल लाइव लूंगा। आपने देखा होगा कि क्रिकेट तो आप सभी देखते हैं, आपने देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है, बैट्समैन के और बॉलर के बीच में। बैट्समैन सोचता है कि मैं ऐसी बॉल फेंकूं कि जो बैट पे ना आए और ये जीरो हो जाए या ये बोल्ड हो जाए, और बैट्समैन ये सोचता है कि मैं बीच बैट में लूं और सीधा बाउंड्री के बाहर ले जाऊं। इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें स्टैग्नेंट नहीं है। ये नहीं पता कि बॉल कहाँ आएगी, और बॉलर को ये पता नहीं कि बैट्समैन कैसे हो। कई बार आपने उसको इंटरप्रिटेशन सुना होगा कि बॉल तो बहुत बेहतरीन, ये एलिमेंट है उस वक्त 13 किलोमीटर प्रति घंटे थी, और अगले ही पल की स्थान से वो गति जो है 10 हो गई। तो उसका असर क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिश बादल जो है आगे जाने चाहिए थे वो पीछे रह गए, उसका क्षेत्र तो फर्क पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि हम पूरी दिल्ली की फोरकास्ट ना करके मैं ये बता पाऊंगा कि एससीईआरटी के किस रूम में और किसकी चेयर के नजदीक कब और कितनी बारिश होगी, तो हमें उतनी स्ट्रेंथनिंग की आनी पड़ेगी अपनी,
और उतना वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम जो है किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंच पाए होंगे। आपका तो धन्यवाद है ही, साथ में पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मेरी बात को सही से आप तक पहुंच सके, और उसके लिए जो मेहनत की है पूरी टीम ने, मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, और राहुल जी का विशेष रूप से जिन्होंने इसको इसकी भूमिका तैयार की। धन्यवाद सर।